अगला प्रश्न लेंगे। महर्षि अगला प्रश्न है कि गुरुदेव, जीवन में कोई व्यसन लग जाए हाँ। तो उससे छुटकारा कैसे पाया जाए? मन बार बार उस व्यसन की ओर ले जाता है। देखो, व्यसन आपको एकदम नहीं लगा, कोई भी व्यसन लेके पैदा होता ही नहीं, ठीक है। संस्कार होते हैं पूर्व जन्म के, लेकिन उन संस्कारों को जब तक अनुकूल हवा नहीं मिलती, अच्छे बुरे जो भी संस्कार, उन अच्छे बुरे संस्कारों के अनुकूल जब तक बाहर से कुसंग या सत्संग ना मिले, तब तक तो हमारे संस्कार सोए रहते हैं। और जो ही सत्संग या कुसंग मिला, हमारे अच्छे और बुरे संस्कार संग के साथ साथ जग जाते हैं। तो एकदम कोई भी व्यसन नहीं लगता, वो धीरे धीरे लगता है। तो जैसे धीरे धीरे आपको व्यसन लगा, ऐसे धीरे धीरे छूट भी जाएगा। आप उसे उल्टा करें, जिस संग से आपको व्यसन लगा है, एक तो उस संग का पहले त्याग करें, उसे दूरी बना के रखें। और दूसरी, आप सद ग्रंथों का अध्ययन करें, और भक्तमाला आप देख रहे हैं, इससे भी आपको बड़ी पावर मिलेगी अध्यात्म की। और हम यदि सचमुच में पूर्ण आध्यात्मिक बन जाएं, एकदम भावुक हो जाएं, तो सारे व्यसन एक सेकंड में छूट जाते हैं। चाहत होती है, जब परमात्मा की चाहत होती है, फिर संसार की चाहत अपने आप ही समाप्त होने लग जाती है। तो धीरे धीरे जैसे व्यसन लगा, ऐसे धीरे धीरे छूटने का अभ्यास आपको करना होगा। काना धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सो घड़ा रुत आए फल होए। तो आप जिस कुसंग के कारण से आपको व्यसन लगा, एक तो सबसे पहले आप उस कुसंग को त्यागें, सद ग्रंथों का ध्यान करें, और जैसे कि पूज्य श्री महाराज जी ने बताया, नाम जाप करें, सब संभव है। नाम जाप से जो तू राम नाम उर धरतो, अब को जन्म आगिलो तेरो, दोनों ही जन्म सुधर तो, यम की त्रास सबय मिट जाती, भक्त नाम तेरो पर तो, जो तू राम नाम चित धरतो। तो प्रभु के नाम का आश्रय लो, सब रोगों की दवाई है प्रभु का नाम।